हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बिगिनर्स के लिए लेकर आई हूँ जिन पर बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता है और वो किस तरह से बिना ब्रश के और बिना स्पॉन्ज के मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ लोई बोवन का टोनर। आपके पास में जो भी टोनर है आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो कॉटन बॉल की हेल्प से टोनर को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाथों की हेल्प से अप्लाई किया है। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ प्लम का मॉइस्चराइज़र। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं आपको वही सेम ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, जिसको मैं फिंगर टिप की हेल्प से डॉटेड फॉर्म में अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने स्टेप बाई स्टेप मेकअप करना बताया है बिगनर्स बहुत ही ईजी तरीके से। अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे बहुत ही ईजी तरीके से मेकअप करना सीख जाएंगे। अब इसके बाद में मैं बिना किसी स्पॉन्ज के और बिना किसी ब्रश के मैं अपने बीबी क्रीम को ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको डैब डैब करते हुए ही इसको ब्लेंड करना है। बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगी, बहुत ही जल्दी से ब्लेंड हो जाएगी। जिस तरह से मैं ब्लेंड करके दिखा रही हूँ आपको इसी तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में ब्रशेज नहीं है या फिर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप अपना मेकअप नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं आप अपना मेकअप अगर आप इस ट्रिक से करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ सा मेकअप होगा आपका। अब इसके बाद में मैं बीबी क्रीम को ही ऐसे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी अपनी फिंगर की हेल्प से। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बीबी क्रीम को मैंने ब्लेंड कर लिया है जो मैंने एज ए कंसीलर लगाया था। अब इसके बाद में मैं सेट करूँगी अपनी बीबी क्रीम को कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है। तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पॉन्ज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर जो एप्लीकेटर आता है मैं उसी से इसको अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको पाउडर लगाते वक्त आपको घिसना नहीं है, आपको पाउडर भी डैब डैब करते हुए ही लगाना है। उससे क्या है आपकी जो फिनिश है बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसके बाद में मैं कलर्स क्वीन का ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट ले रही हूँ, जिसमें से मैं ब्लश पिक करके अपनी टू फिंगर की हेल्प से मैं ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों चीक्स में फ़र्क। तो मैं अपनी चीक्स पर हल्का सा नोज़ पर और मैं थोड़ा सा चिन पर भी अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ब्लश भी लग चुका है। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ हाइलाइटर जिसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स हैं। तो इसको भी मैं अपनी टू फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। बहुत ही ईजीली लग गया है और मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूँगी, क्यूपिड्स वो को, और अपनी चिन को भी हाईलाइट करूँगी, ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी। तो अब आती है आई मेकअप की बारी। तो इसमें ये एक शेड है, आप चाहें तो आपके पास में जो भी अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। तो इस शेड को भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आई पर, आई लिड पर मैं लगा रही हूँ। ये एक शिमरी शेड था। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ काजल, तो जिसको मैं अपनी वाटर लाइन एंड टाइट लाइन दोनों पर अप्लाई करूँगी। तो इसमें जो इफ़ेक्ट हल्का हल्का सा लाइनर वाला भी आ गया है क्योंकि मैंने इसको अपनी टाइट लाइन पर लगाया था। अब इसके बाद में मैं ले रही हूँ मस्कारा। तो आपको डायरेक्टली मस्कारा नहीं अप्लाई करना है अपनी आईब्रोज़ पर, पहले आपको अपनी आई लैशेज़ पर मस्कारा अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ अपर एंड लोअर दोनों लैशेज पर। उसके बाद में जब इसका सारा प्रोडक्ट जब निकल जाएगा तो जो भी एक्सेस बचेगा हमें उससे अपनी आईब्रोज़ को फिल करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि आपकी जो आईब्रोज़ हैं बिल्कुल नेचुरल लगेंगी। हमें ले रही हूँ कलर्स क्वीन की लिपस्टिक, जिसमें मेरा शेड नंबर है 25 और मैंने बिंदी भी लगा ली है। तो गाइज़ मैंने कितना इजी तरीके से आपको यहाँ पर मेकअप करना बताया है, सिखाया है। तो आप भी इस तरह से, अगर आप बिगिनर्स हैं, इस तरह से आप अपना मेकअप कर सकते हैं बहुत ही इजी। अगर आपके पास में कोई भी ब्रश नहीं है या फिर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो
अब इसके बाद में मैं ये इयररिंग्स पहन रही हूँ अपने। तो गाइज ये है मेरा आज का ट्यूटोरियल जो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। तो एक बार आप भी इस तरह से मेकअप करके देखिए, ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।